Hello everyone, this is Arjan, a proud FinTrammer and a faculty for Financial Accounting. Welcome to FinTram's Financial Accounting Memory 8 series. As you know, there are so many concepts and topics in financial accounting which is really hard to memorize and really important for the purpose of financial accounting. So what FinTram has done, we have created some short videos that will help you to memorize such concept, and it will also help you to get a quick review when you're about to take your exam. So let's see whatever today's topic is all about. Wait, it seems that most of you who are watching this video have not subscribed to our channel. You would miss the new videos and the updates. Subscribe now and press the bell icon. Our today's topic is about preparing financial statement. आपके financial accounting में financial statements create करना, financial accounting exam में financial statement बहुत ही ज़्यादा important है और काफी सारे questions सिर्फ इससे ही related होते हैं. और स्टूडेंट्स कहां पे मिस्टेक करते हैं, इनके स्टेप्स में. फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप कैसे क्रिएट करेंगे, आप स्टेटमेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे, जब आपको स्टेप्स बताऊंगे कौन कौन से स्टेप्स होंगे हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो देखते हैं. हमारा फर्स्ट स्टेप है ट्रांजेक्शंस अकर, मतलब एक बिजनेस है उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन होगी. ट्रांजेक्शन कैसी, एक कस्टमर आया उसने कुछ परचेज करा और वो ट्रांजेक्शन हो गई. अब रेवेन्यू की अकाउंटिंग होगी, उसमें कैश की अकाउंटिंग होगी, रिसीवेबल्स की अकाउंटिंग हो सकती है और इन्वेंट्री की अकाउंटिंग हो सकती है. तो ये सारी अकाउंटिंग करेंगे हम, पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे, ट्रांजेक्शन होगी उसी के बाद हमारी जर्नल एंट्री होगी. उसके बाद हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट. फिर हम एक टी अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट में ये सारी ट्रांजेक्शन्स को डालेंगे. हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमारे कैश अकाउंट में जाएगी, रेवेन्यू से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमारे रेवेन्यू में जाएगी, रिसीवेबल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमारे रिसीवेबल अकाउंट में जाएगी, और भी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी वो पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी. उसके बाद है हमारा लेजर अकाउंट क्लोज होगा. लेजर अकाउंट कैसे क्लोज होगा, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, आप लेजर अकाउंट देखेंगे, अपने टी अकाउंट देखा, कैश अकाउंट का लेजर देखा, कैश अकाउंट में 100 एंट्रीज थी, आपने सारी एंट्रीज को अच्छे से पुट कर दिया. अब आपने लास्ट में क्या करना है, उसका टोटल निकालना है. टोटल में देखेंगे कि आपने पूरे ईयर में कितनी कैश ट्रांजेक्शन की है, और आपका ये जो लेजर अकाउंट है, जो आपका टी अकाउंट है, वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा. उसके बाद आएगा हमारा ट्रायल बैलेंस. जो ये लेजर अकाउंट का हमारा अमाउंट आया है, ये कहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में. हमारे एक ट्रायल बैलेंस होता है जिसमें सारे अकाउंट्स की डिटेल होती है. कौन सी डिटेल्स, हमारी क्लोजिंग बैलेंस की डिटेल्स, जैसे हमारे रेवेन्यूज हो सकते हैं वहाँ पर, हमारे परचेज होगी, हमारी कार से एक्सपेंसेस होंगे, अगर हमारी कोई एसेट है तो वो होगी, हमारे रिसीवेबल्स, पेएबल्स, सेल्स, सब कुछ हमारा ट्रायल बैलेंस में होगा, सारे अकाउंट्स होंगे और उनका क्लोजिंग बैलेंस उसमें लिखा होगा. हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों से मैच होनी चाहिए, और इससे हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा. अब ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के बाद आएगा हमारा ईयर एंड एडजस्टमेंट्स. ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो मिस हो सकती हैं, तो हमें क्या करना है, वो एडजस्टमेंट्स करनी है. कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, कुछ सस्पेंस अकाउंट हो सकते हैं उसमें, कुछ अनबैलेंस्ड अकाउंट हो सकते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो वो हमें क्या करना है, ईयर एंड जब हो जाएगा तो वो एडजस्टमेंट्स को ट्रायल बैलेंस में ही सॉल्व करना है, उसको ट्रायल बैलेंस को हमें अच्छे से मैच करना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आना है. जब सारी ईयर की एडजस्टमेंट हो जाएंगी, ईयर एंड खत्म हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप आएगा. फाइनल स्टेप कौन सा है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ड्रॉन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारा क्या क्या है, हमारी बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, देन हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, फिर आएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स. ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. आप सीधा ट्रांजेक्शन्स अकर होते ही ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, आपको हर स्टेप्स को फॉलो करना है, और ये स्टेप्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. इससे रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस अपने लेक्चर्स में देखे हैं और अपने क्वेश्चन मैराथन में देखे हैं और अपने रिवीजन में भी इसको कंसेप्ट को अच्छे से कवर किया हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जाम, तो आपको ये अच्छे से कवर करना है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
I hope you like my video. If you want to keep watching such videos, then please subscribe to FinTram YouTube channel and press on bell icon. So whenever we post any videos, you will be the first person to get it. With this, I'm Arjun signing off now.